मैडम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा केआरके के बारे में, क्योंकि केआरके के जो एक इशू अब सामने आया है वो बहुत बड़ा इशू है। हाल ही में केआरके का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है, वो भी किसी और ने नहीं, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, शिवाय के अजय देवगन। अजय देवगन ने ये क्लिप अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, जहां पर कहीं ना कहीं अजय देवगन ने ये कहा है कि आखिरकार किस तरह से केआरके जैसे लोग पैसे पैसे लेकर बड़े बड़े डायरेक्टर से और अपनी फिल्म को, मतलब उनकी फिल्म को प्रमोट करते हैं और बाकी फिल्म को डिमोट करते हैं या नेगेटिव चीज़ें कहते हैं। ये ऑडियो क्लिप पहले सुन लेते हैं आखिर क्या है और किस तरह से केआरके ने इस पे बात की है। आपको बता दूं, केआरके ने बात की है कुमार मंगत से, जो कि प्रोड्यूसर है शिवाय फिल्म के। चलिए देखते हैं केआरके का ये ऑडियो क्लिप। हाँ सरकार, सरकार जी कैसे हो? सर कहाँ, कहीं बाहर गए थे? हाँ मैं बाहर गया था, हाँ हाँ आज ही आए। निकल आया। अच्छा। हाँ, बीच में न्यूज थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, दो दो फिल्मों की ना, क्या क्या नाम था, एक वो हाँ, अब एक राखी सिलेंडर और और हाफिज। हाफिज, हाफिज कौन सी, वो है वो अबू धाबी वाली, करेक्ट हाँ, वो उसी के लिए गया था। ना? हाँ उसी के लिए गया था, अच्छा, तो उसमें किसको ले रहे हैं बता रहा हाफिज हूँ भाई? आपको। एक हफ्ते और में देता हूँ न्यूज, गुड न्यूज देता हूँ आपको। वेरी गुड, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया भाई जी। और भाई जी अपना क्या, आप कल क्या डाल दिया आपने मैंने क्या डाल दिया कल, कहाँ शिवाय का? आपने क्यों ऐसा काम करते हो? डाल दिया मैंने, अरे ट्विटर में भी डाला, कल तो नहीं, मैंने तो किया कल नहीं। परसों, कल परसों डाला था ना कि अपना करण जोहर का, अपने उसको लिखा कि पहले लिखा उसके नीचे डाला शिवाय का कि हिम्मत वाला तू है ऐसा कुछ। अच्छा, देखा हिम्मत वाला टू कि आगे कैसे बुराई कर रहे क्या हैं करते हो और आप? हंस रहे हैं। अरे इतना करण जोहर को क्यों फेवर कर रहे हो आप? जो उनसे बात करें के आर के से, वो है कुमार मंगत शिवाय फिल्म के प्रोड्यूसर। दो 3 दिन पहले की बात है, कल का कहा है वो, नहीं मेरे को कल अपना, मैंने कल देखा, तो मैंने देखा कल था नहीं ना, कल देखा मैंने। अरे 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात क्यों खबर करण जोहर को इतना फेवर कर रहे हो? है। फेवर का फेवर नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ करण जौहर की फिल्म के बारे में क्या बोला, करण जौहर की फिल्म के बारे में थोड़ा मैंने बोला नहीं कुछ अब ज्यादा उसको, कुछ उसके ऊपर करण जोहर की फिल्म के लिए आपने लिखा ना, अच्छा लिखा, लेकिन आपको शिवाय को भी इतना घुसेड़ने की जरूरत क्या है? घुसेड़ने की जरूरत क्या है शिवाय को? अलग ट्वीट था कहीं और, करण जौहर देखो का अलग किस ट्वीट तरह था, फिर रहे दोनों अलग जबान अलग से। थे, एक साथ में तो था ही, हाँ देखा था आगे नीचे था, ऊपर नीचे था। एक साथ ट्वीट मैंने कभी, हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ उसमें शिवाय के साथ अदम का तो ट्वीट कभी किया अरे नहीं मैंने। अभी यार अभी ऐसा तो बस करो ना, मतलब करण जोहर को आपने गोदी ले लिया क्या? करण जौहर भाई जी क्या करे, करण जौहर का थोड़ा सा तो करना पड़ता है ना। क्या क्या अरे ऐसा मत करो ना यार, बता देखो आप अपने हो, मतलब अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, अच्छी बात तो कुछ नहीं है, बट हाँ उसका तो देखो, उसका तो मैं फेवर करूंगा ही, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसका फेवर तो मुझे करना ही पड़ेगा भाई जी। नहीं, जो जो आदमी 25 लाख भेजे उसको तो फेवर करना पड़ेगा ना, नहीं नहीं करूंगा पच्चीस भाई लाख जी, बता सर, रहा पच्चीस हूँ, लाख तो पच्चीस लाख 25 लाख दिए हैं, ठीक है तो हमसे भी ले लेना ना, हम भी आपको, हम भी कुछ ना कुछ सपोर्ट कर देंगे। बर्थडे पे शायद SMS अजय भेजा था, उसके देवगन रिप्लाई तक नहीं करता भाई आपका हीरो तो सर बहुत वो पुरानी नहीं है, फिल्म है, वो उसका कहाँ उसका कर, उसका अरे भूल जा रहे को। अरे वो आपको पता है नॉन सोशल आदमी है। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो उसको कहाँ हमारी जरूरत है, वो तो खुद अपने आप चला लेगा अपनी फिल्म को, नहीं नहीं फिल्म तो मुझे तेरे, कैसा फेवर क्या लेकिन है। लेकिन लेकिन भाई की अच्छी बात नहीं है ना। देखो क्या है कि आप देखो आप खुद ही देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों ने उस पर रेट किया है। क्या आपकी क्रेडिटोलिया 25 लाख रुपए में कौन सा ही हो जाएगा? नहीं, तो हम जो आप बोलोगे कर देंगे भाई जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखा आपने केआरके किस तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्लिप तो सुन लिया होगा केआरके का, जहाँ पे वो किस तरह से कुमार मंगत से बात कर रहे हैं। अब आप देख लो आखिर क्या है माजरा। आपको ले चलता हूँ केआरके के ट्वीट्स पे, जहाँ पे वो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी बुराइयाँ करते नज़र आ रहे हैं, मतलब शिवाय की, और तारीफ करते नज़र आ रहे हैं। देखो केआरके ने क्या कहा है कि कल की बात है ये, टुडे बोथ फिल्म शिवाय एंड एडिल है मुश्किल गॉट फ्री पब्लिसिटी ऑफ मिलियंस विथ माई नेम एंड दिस इज पावर ऑफ द ब्रांड केआरके। जी हाँ, केआरके खुद की अपनी तारीफ कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरा नाम बदनाम अब हो चुका है कहीं ना कहीं। अजय देवगन ने भी उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया, बट फिर भी वो अपनी जो एक धुन है उस पर अड़े रहते हैं।
वन साइड अजय देवगन इज कॉलिंग मी माई सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक एंड अदर साइड ही थिंक्स दैट आई एम रियली पावरफुल नंबर क्रिटिक हु कैन हार्म हिज फिल्म. तो अजय देवगन के खिलाफ KRK बहुत कुछ बोले. पीपल थिंकिंग दैट आई कॉल्ड कुमार मंगल बट नॉट ट्रू एक्चुअली ही इज माई क्लोज फ्रेंड एंड ही ओनली कॉल्ड मी एंड कॉल्ड मी मैनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो. किस तरह से अपना एक रिलेशन सुधारने में लगे हैं कुमार मंगल से बात होने के बाद. कुमार प्लस अजय ऑफर्ड मी मनी टू बैश ए दिल है मुश्किल एंड ही इज ऑफरिंग मी द टेप ऑल्सो टू रिफ्यूज. आई टोल्ड हिम दैट आई वुड डू इट फ्री. आप देख रहे हैं आप किस तरह से KRK इस तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिससे करण जौहर की तरफ से उनको 25 लाख मिले थे सेम उसी तरह अजय देवगन की तरफ से भी उन्हें ऑफर आया था पैसे का बट उन्होंने मना कर दिया. अब भाई आपकी पोल तो खुल गई है. अब आप यही सब बोलोगे ठीक है. अब इसमें करण जौहर के लिए सफाई देते नजर आ रहे KRK कि उनसे खराब ना उनका. लेट मी क्लियर इट. करण जौहर हैज नेवर पेड मी और आस्क मी टू बैश शिवाय एंड यू कैन हियर इन द टेप आई सेड 25 लाख टू अवॉइड कुमार. अब ऑडियो में जो आया तो वो तो आया है. अब अभी KRK एक अलग ही अपना दाव कर रहे हैं, एक अलग ही बात कर रहे हैं कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिला ना तो करण जौहर से ना तो किसी और से और ना तो उन्हें कहा गया है कि शिवाय की बुराई करो. फिर भाई क्यों आप बुराई कर रहे हो सर. अजय देवगन दो चार दफा आराम से सुनिए इस ठंडे से. अच्छा अब अजय देवगन को कह रहे हैं KRK कि आप ये मेरे जो ऑडियो क्लिप है वो वापस से ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा. अब आपको ले चलता हूँ. देख लिया आपने पहले तो KRK ने किस तरह से कहा. अब आपको बताता हूँ अजय देवगन ने किस तरह से इसे अपने ट्विटर हैंडल पर डाला जिसके बाद से फैंस का काफी ज्यादा रिएक्शन आने लगा है. ये देखिए अजय देवगन ने कहा भैया वॉट सेल्फ प्रोक्लेम नंबर वन क्रिटिक एंड ट्रेड एनालिस्ट कमाल आर खान हैज टू से. तो ऑडियो क्लिप के साथ आ, आ, डाला है अजय देवगन ने अपने ट्विटर हैंडल पे और जिसे उन्होंने लिंक किया है अपने ही यूट्यूब अकाउंट से. आप चाहिए तो ये ऑडियो क्लिप यहाँ सुन सकते हैं या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी सुन सकते हैं. आपको अवेलेबल होगा और इससे आपको पता चलता है कि जो बॉलीवुड सिनेमा है इसमें कितनी ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हो चुकी है. रिश्वत लेने लगे हैं लोग. एक धंधा बोलते हैं जिसे वो चल रहा है प्रमोशन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं प्रोड्यूसर बड़े बड़े डायरेक्टर जो बिल्कुल गलत बात है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ छोटे मोटे KRK जैसे क्रिटिक्स और इसे रोकने की बहुत बड़ी ज़रूरत है वरना फिल्म इंडस्ट्री अंदर ही अंदर खोखली हो जाएगी. और कहीं ना कहीं पायरेसी का एक मुद्दा है वो सब मुद्दे के अलावा. अब ये सब मुद्दे से अगर हमें मतलब फिल्म इंडस्ट्री को जूझना पड़ेगा तो ये शर्म की बात लग रही है. तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा. तब तक के लिए.